दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई लहंगे के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कैलाशपुर गांव में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। सूरज बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। उसे ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं था। उसकी बीवी कुसुम और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम महर था। महर अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक बार अचानक कुसुम की मृत्यु हो गई। ये समय सूरज और महर के लिए बहुत ही गम से भरा था। कुसुम के चले जाने से दोनों बहुत दुखी थे। इधर कुसुम को मरे एक महीना ही बीता था कि सूरज ने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी शालिनी को घर ले आया। शालिनी, ये मेरी बिटिया महर है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की है ताकि तुम इसे माँ का प्यार दे सको। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जी, मैं इसे माँ की तरह ही प्यार करूँगी। हाँ शालिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। फिर उस दिन शालिनी महर से बात करने के लिए गई। महर बेटा, कैसी हो? देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? तुम्हारी नई माँ शालिनी। पर आप तो मेरी सौतेली माँ हो ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती हैं। अच्छा जी, ये तुमसे किसने कहा? सब यही कहते हैं, मेरी सारी सहेलियाँ भी यही कहती हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। बस तुम मुझे अक्सर माँ कहकर बुलाना। मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पापा ने मुझसे सिर्फ तुम्हारे लिए ही शादी की है और मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा खास ध्यान रखूं। और वैसे भी तुम बहुत ही प्यारी हो और मुझे भी बहुत पसंद आ गई हो। वो क्यों भला? क्योंकि तुम दिन भर अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। तुम अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती हो, और इतना प्यार करने वाली बेटी मुझे मिल जाए फिर तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे, है ना? आप भी बहुत प्यारी हो, अब से आप ही मेरी माँ हो। माँ, पहले ही दिन महर और शालिनी की दोस्ती हो गई, और अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में घुल मिल गई थी। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत पसंद था। वो लोग पूरे दिन बातें करती, हंसती खेलती और एक साथ ही खाना खाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। महर ने अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपनी सगी माँ का लहंगा निकालकर शालिनी को दिया और बोली, माँ ये लहंगा पहन कर दिखाओ ना। ये लहंगा मेरी माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था और ये मेरी माँ पर बहुत ही अच्छा लगता था। आप प्लीज इसे पहन कर दिखाओ ना। प्लीज माँ, आप पर भी ये बहुत जमेगा। जरूर, ये लहंगा तुमने मुझे दिया है तो मैं इसे पहनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं पहनकर अभी आती हूँ। शालिनी कमरे में गई और उसने वो लहंगा पहना, पर जैसे ही उसने लहंगे को पहना वो गायब हो गई। तभी सूरज आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। है कोई? शालिनी, मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा तो खोलो। शालिनी ने फटाफट से दरवाजा खोला, पर वो सूरज को नजर ही नहीं आ रही थी। कमाल है, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? और शालिनी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? शालिनी, तुम कहाँ हो? हाँ जी, बोलिए। अरे, तुम दिखाई ही नहीं दे रही, कहाँ हो तुम? जी, यहीं पर तो हूँ। क्या हो गया आपको? ओहो, क्या मजाक कर रही हो, मुझे तो नहीं दिख रही तुम। तभी सूरज को बाहर से एक आवाज आई। सूरज, मिस्टर सूरज, सूरज। सूरज बाहर निकल गया। इधर शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शालिनी शीशे के सामने खड़ी हो गई और उसने देखा कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रही थी। ये कैसे हो सकता है, मैं शीशे में दिख क्यों नहीं रही?
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर ये माजरा क्या है? शालिनी समझ गई कि उसने जो लहंगा पहना है वो मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। शालिनी ने तुरंत उस लहंगे को उतार कर संभाल कर उसे रख दिया। कुछ ही देर बाद सूरज वापस आया और बोला, अरे शालिनी कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज़ें लगा रहा था। वो मैं यही बेड के नीचे सफाई कर रही थी। ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, आते आते देर हो जाएगी, तुम और मेहर खाना खा लेना, ठीक है? इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला गया और फिर शालिनी उस जादुई लहंगे की बात मेहर को जाकर बताती है। क्या सच में माँ, ये जादुई लहंगा गायब होने वाला है? हाँ सच में। अच्छा ये बात तुम्हारे पापा को बताऊँ क्या? नहीं नहीं उन्हें मत बताना, माँ का लहंगा जादुई बन गया, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा ठीक है। अगले दिन सूरज बहुत ही उदास और टेंशन में था, तभी शालिनी उससे पूछती है, तबीयत तो ठीक है ना जी आपकी? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम बस जाकर एक कप चाय बनाकर ले आओ मेरे लिए। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और शालिनी दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी सूरज बोला, अरे रुक जाओ शालिनी मैं खोल देता हूँ। दरवाजे पर फिर से वही लड़की थी जो उस दिन सूरज को आवाज लगा रही थी। दरअसल ये डॉली थी जो सूरज की बिजनेस पार्टनर थी। शालिनी सुनो, मुझे डॉली मैम से किसी बड़े डील के बारे में डिस्कस करना है, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। अब तुम जाओ और दरवाजा लॉक करते हुए जाना। ठीक है जी। इतना बोलकर शालिनी वहाँ से बाहर महर के कमरे में आ गई। महर डॉली के बारे में सुनकर थोड़ा घबरा गई और बोली, माँ ये औरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरी सगी माँ के मरने से पहले भी यही लेडीज घर में आई थी और पापा ने मुझे ऐसे ही बोला था। अच्छा फिर अब क्या करें? कैसे पता लगाएं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है? माँ आप वो जादुई लहंगा पहनो और पता लगाओ कि पापा वहाँ उस लड़की से क्या बातें कर रहे हैं। हाँ तुम सही कहती हो, ये ठीक है अभी पता करती हूँ। शालिनी तुरंत ही वो जादुई लहंगा पहनकर बाहर आकर महर से बोलती है, बेटी मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं माँ, पर आप हो कहाँ? यही हूँ। और फिर शालिनी उस कमरे में गई जहाँ डॉली और सूरज आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और वहीं उनके बीच में बैठकर उनकी सारी बातें सुनने लगी। डार्लिंग सब सही करके मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन कब सूरज, मुझसे अब तुम्हारे बगैर और नहीं रहा जाता। डॉली बेबी तुम्हें तो पता ही है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अपनी पहली पत्नी कुसुम को मार डाला ताकि ये सारी जायदाद प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, पर कमबख्त ये सब मेहर के नाम कर गई और अब मैं मेहर को मारूंगा और इल्जाम उसकी सौतेली माँ पर डालूंगा। दुनिया जानती है सौतेली माँ कैसी होती है, और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। क्यों कैसा लगा प्लान? वाओ जानू, इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया, पर जो भी करना है अब जल्दी करो, मुझसे सबर नहीं हो रहा है। ये सब सुनकर शालिनी के तो होश ही उड़ गए, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। वो कमरे से बाहर आ गई और उसने ये सारी बातें मेहर को बताई। मुझे तो पहले से ही ऐसा लगता था, मेरे पापा अक्सर मेरी माँ को बिना बात के पीटते रहते थे, अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मेहर बेटा गुस्से से नहीं अकल से काम लो, हम उनसे ऐसे नहीं जीत सकते। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो,
और बताओ कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। शालिनी की बात सुनकर महर कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चली गई और फिर पुलिस महर के साथ उनके घर आ गई। मिस्टर सूरज एंड डॉली बोथ आर यू अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, हमारी गलती क्या है? अपनी पहली पत्नी के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? जी हाँ, आपकी बेटी ने खुद खून होते हुए देखा है। क्या ये हो ही नहीं सकता? जब मैंने कुसुम को मारा था तब वो वहाँ पर नहीं थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि इन्होंने कुसुम का खून किया है। सूरज और डॉली, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम दोनों की जगह अब जेल में है और वहीं चक्की पीसना। फिर उन दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई और फिर महर और शालिनी दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगी। एक गांव में सिमर नाम की एक लड़की रहा करती थी। सिमर अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। सिमर के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से सिमर अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। सिमर के चाचा काम की तलाश में अक्सर बहुत दिनों तक बाहर ही रहा करते थे और सिमर की चाची रूपाली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सिमर से पूरे घर का काम भी करवाती थी और सिमर को दिन भर में सिर्फ एक बार ही खाना खाने को देती थी, वो भी एक दिन का बासी शाम का बचा हुआ खाना। सिमर उस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपना जीवन किसी तरह से बिता रही थी। वही रूपाली कोई भी काम नहीं करती थी, बस पूरे दिन बैठकर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। फिर एक दिन रूपाली सिमर से बोलती है, अरे ओ मनहूस सिमर, आज कान खोल कर सुन ले तू। आज घर की जल्दी जल्दी साफ सफाई कर ले और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बना कर रख दे, क्योंकि आज मेरी बहन प्रीति मुझसे मिलने के लिए आ रही है। तू मेरी बात तो समझ गई ना? चाची जी, आप चिंता मत करिए, मैं घर का पूरा काम कर दूंगी। समझ गई तो जा जल्दी से काम कर, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल अब जल्दी से अंदर जा और घर के काम में लग जा। बेचारी सिमर पूरे दिन घर का काम करती है और शाम को रूपाली की बहन प्रीति आ जाती है। दीदी कैसी हो आप? बहन मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? दोनों बहनें बहुत देर तक बात करती रहती हैं और खुशी से अपना दिन बिताती हैं। जब दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं, तभी वहाँ पर सिमर आती है और अपनी चाची जी से बोलती है, चाची जी मुझे खाना दे दीजिए, आज सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है चाची जी। अरे मनहूस, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ, अपनी मनहूस शक्ल लेकर तू हमेशा आ जाती है। एक दिन अगर खाना नहीं खाएगी तो मर थोड़ी जाएगी। तू किचन में जाकर देख, मैंने तेरे लिए खाना पहले से निकाल कर रख दिया है, जा और जाकर अपना पेट भर ले। और हाँ, एक बार कान खोल कर सुन ले, फिर से दोबारा से आई तो फिर देखना मैं तुझे कैसे बताती हूँ, जब देखो तब आ जाती है दिमाग खाने। अच्छा प्रीति तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। वही दूसरी तरफ सिमर रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिमर जल्दी से उठ जाती है और घर का काम करने लगती है। वही दूसरी तरफ रूपाली और उसकी बहन प्रीति आपस में बातें कर रही थी। दीदी मैं तो आपसे एक बात बताना ही भूल गई। यहाँ से थोड़ी दूर एक ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है। ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेने के लिए एक अच्छा सा लहंगा पहनकर जाना होता है, और दीदी आप मेरे लिए एक अच्छा सा लहंगा खरीद दो, और एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए वो। आप तो मुझे जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ, अगर मैंने ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया तो मैं ही जीतूंगी, और जीतने पर मुझे बहुत ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। ठीक है बहन,
तू कहे और मैं ना लाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू मेरी सबसे छोटी और प्यारी बहन है। मैं तुझे एक अच्छे ब्रांड का लहंगा खरीद दूंगी, जिससे ब्यूटी कॉम्पिटिशन में तू ही जीतेगी। रूपाली और प्रीति की ये सारी बातें सिमर सुन लेती है और सिमर बोलती है, क्या ब्यूटी कॉम्पिटिशन? मैं भी बहुत सुंदर हूँ। अगर मैं ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँ तो मैं भी जीत सकती हूँ। एक बार मुझे चाची जी से जाकर बात कर लेनी चाहिए, क्या पता वो मेरे लिए भी एक लहंगा खरीद दे। इतना बोलकर सिमर अपनी चाची के पास जाती है और उनसे बोलती है, चाची जी मैं भी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए भी एक लहंगा ले आइएगा, थोड़ा सस्ता ही हो लेकिन आप मेरे लिए ले आइएगा। चाची जी मेरा बचपन से ये सपना है कि मैं एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँ। अरे दीदी आपने भी अपने नौकरों को कितना सर पर चढ़ा कर रखा है, ये जैसे आपको ऑर्डर दे रही हो, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? हाँ बहन तू सही कहती है, मैंने अपने नौकरों को कितनी छूट दे रखी है, मैं इसे कुछ कहती नहीं हूँ तो ये मेरे सर पर चढ़ गई है। देखो तो भला इस कलमोही की हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझसे लहंगा मांगने लगी, वो भी ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीतने के लिए। अरे मनहूस तू मेरी बात ध्यान से सुन, इस ब्यूटी कॉम्पिटिशन में मेरी बहन पार्टिसिपेट कर रही है और उसे ही ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीतना है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू मुझसे लहंगा मांग रही है? अब तू यहाँ से चली जा या तू इस घर से बाहर निकलना चाहती है? अगर तू ज्यादा बोलेगी तो मैं तुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ना जाने मैंने पिछले जन्म में क्या किया था कि ये मनहूस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब जा भी और जल्दी हम दोनों के लिए कॉफी बना कर ला। अरे दीदी आप भी इस मनहूस को बोलकर अपना मूड मत खराब करो, चलो हम दोनों कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ बहन तू सही कहती है, बाहर घूमने से मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इतना बोलकर रूपाली और प्रीति मार्केट की तरफ शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं। रूपाली और प्रीति के शॉपिंग पर चले जाने के बाद इधर सिमर बहुत रोती है, क्योंकि रूपाली और प्रीति मिलकर सिमर को बहुत डांटती थी, इसलिए सिमर बहुत रो रही थी और अपनी माँ पापा के फोटो के आगे जाकर सिमर बहुत रोने लगती है। माँ पिताजी आप लोगों के जाने के बाद मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया है, मैं यहाँ पर एक नर्क की तरह अपना पूरा जीवन बिता रही हूँ। चाची जी मुझे बहुत डांटती है, मैं घर का सारा काम भी करती हूँ और शाम को बची हुई एक रोटी ही खाती हूँ, वो भी कल शाम की बची हुई। आज मैंने उनसे एक लहंगा क्या मांग लिया, वो और उनकी बहन ने मिलकर मुझे बहुत डांटा। माँ मैं अपना जीवन एक नर्क की तरह बिताती हूँ, भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। ऐसा बोलकर सिमर अपनी माँ की तस्वीर के सामने जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर में से उसकी माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बेटी सिमर तुम रो मत, मुझे सब पता है कि तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार होता है। माँ आप यहाँ पर कैसे, भला ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हाँ बेटा सिमर, मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी चाची तुम्हें बहुत सताएंगी। लेकिन बेटी अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म हुए, अब उन लोगों को अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। बेटा सिमर तुम उदास मत हो, तुम्हें ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जाना था ना, तुम उसमें जरूर जाओगी, तुम्हें तो बस एक लहंगे की जरूरत है, मैं तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर देती हूँ। बेटी मुझे पता था कि तुम्हारा बचपन से सपना है एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए बेटी तुम हॉल में जाकर देखो, वहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और जादुई लहंगा मिलेगा, तुम देखना बेटी वो जादुई लहंगा इतना अच्छा है कि ब्यूटी कॉम्पिटिशन में तुम ही जीतोगी। माँ आप बहुत अच्छी हो,
जो कि मरने के बाद भी आपने मेरी मदद की। फिर जैसे ही शिमर हॉल में जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लहंगा रखा हुआ था, जिसे देखकर शिमर बहुत ही खुश हो जाती है। कल ब्यूटी कॉम्पिटिशन है और उससे पहले ही अपने पास इतना सुंदर लहंगा देखकर शिमर और खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद रूपाली और प्रीति भी शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। प्रीति ने अपने लिए भी एक लहंगा खरीदा हुआ था। फिर ब्यूटी कॉम्पिटिशन के दिन शिमर ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट की हुई थी। शिमर इतना सुंदर लहंगा पहनी हुई थी कि सभी की नज़र सिर्फ शिमर पर ही थी और शिमर दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसलिए शिमर ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीत जाती है, जिससे कि वह बहुत खुश होती है। शिमर के घर आने के बाद रूपाली बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो शिमर से गुस्से में बोलती है, क्यों रे मनहूस, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बहन तेरी वजह से ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हार गई, लेकिन तेरे पास ये लहंगा आया कहाँ से? क्या तूने किसी से चोरी किया है? तुझे सुनाई कम देता है क्या? मेरी दीदी तुझसे कुछ पूछ रही है, तो उसका जवाब जल्दी दे। वो चाची जी, ये जादुई लहंगा मेरी माँ ने मुझे दिया है। तेरी माँ ने तुझे ये लहंगा दिया है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लहंगा अब मेरी बहन ले लेगी। फिर प्रीति वो जादुई लहंगा अपने हाथों में ले लेती है। प्रीति जैसे ही वो जादुई लहंगा छूती है, वो देखने में काली और बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत उदास हो जाती है। अरे नहीं दीदी, मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं इस जादुई लहंगे को छूते ही इतनी काली कैसे हो गई? क्यों रे सिमर, तूने मेरी बहन के साथ क्या किया है? मेरी बहन इतनी काली कैसे हो गई? इतना बोलने के बाद रूपाली भी उस जादुई लहंगे को छू लेती है और वो भी दिखने में काली और बदसूरत हो जाती है। तभी वहाँ पर शिमर की माँ प्रकट हो जाती है और शिमर से बोलती है, बेटी शिमर, मेरा काम हो गया है, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस जादुई लहंगे से मांग लेना, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर सीमा की माँ को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। सीमा जादुई लहंगे को लेकर रूपाली के घर से हमेशा के लिए चली जाती है और जादुई लहंगे से एक सुंदर सा घर मांग लेती है और उस घर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।